कालीन भैया द किंग ऑफ मिर्ज़ापुर, हम उनके बेटे हैं। मुन्ना भैया द प्रिंस ऑफ मिर्ज़ापुर, बेटे कायदे में रहो, समझे? ललित हिंद बहुत है ललित, कुछ मंगा अबे सुट्टा सुट्टा। अरे भैया जी कल पीटीएम है भैया जी, का सुट्टा मुट्टा छोड़ो, दोबारा पढ़ाई की बात की है ना, नहीं पेल देंगे, समझे? हमें नहीं बताओगे जी भैया जी? ओके भैया जी बताएंगे। भैया जी हमारे कॉलेज की सुषमा है ना, वही जी अपनी अभी हम लोगों में उंगली करते ही हमारे अंदर उंगली कर गया। ललित छोड़ेंगे नहीं उसको, हजार खड़े होने भैया। कहाँ गया बे, कहाँ गया? तुम्हें तो मैं तोड़ूंगा बे। तुम्हें तो साले छोड़े, आओ बे, तुम्हें तो छोड़ेंगे नहीं बे। अरे चूती हमको बहुत भगाए, भैया जी माफ कर दे, मुन्ना भैया माफ कर दीजिए, भैया जी भैया जी बचा दीजिए। तुम भैया जी बचा, सारे हमसे पीछे थे भैया जी, हम पहुंच गए हम पेज पर। चलो छोड़ो जी, तुम्हें चार बार बोले हैं कि बेटा पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएएस बनो और देश को संभाल, लेकिन नहीं, तुमको तो सारे लोगों के चूतों में उंगली डालनी है, उंगली डालनी, उंगली डालनी। चार बार बोले भैया जी, सिर्फ आपने उंगली की और किसी में नहीं किया अभी तक। भैया तुम चुप रहोगे, क्या बोल रहे तुम? कल पीटीएम भी है जी भैया जी, और आप फेल भी हो। फेल से याद आया, हाँ मुन्ना भैया जी आपने तो मास्टर जी को लपड़िया ही दिया। अबे जलवा है हमारा, और मास्टर जी ने भी आपको तो फेल ही दिया। ज्यादा ना बोलो वरना हम तुम्हें भी फेल देंगे। भैया जी तुम मजाक कर रहे हो, जाओ मट्टी लेकर आओ। एक वाली नहीं है, दो वाली। साले कालीन भैया के बेटे हैं, अंबानी की नहीं, एक वाला लेकर आओ। ये क्या पकचोदी कर रहे हैं, तो देखे इनको। ये हमारे एरिया में क्या हो रहा है? हम पास हुए हैं, नाच रहे हैं, तुम्हें कहाँ चुंगने काट रहे हैं भाई? कालीन भैया द किंग ऑफ मिर्ज़ापुर, हम उनके बेटे हैं। मुन्ना भैया द प्रिंस ऑफ मिर्ज़ापुर, बेटे कायदे में रहो, समझे? भैया जी हम आ गए। आओ बे, हम इन्हें थोड़ा समझा रहे थे। भैया जी हम आते हैं, छोड़ो इसे मर जाएगा ये। बबलू तेलो ना तेलो, ये हमारे प्रिंस ऑफ मिर्ज़ापुर। आओ चलो।
भैया जी, भैया जी कहाँ हुआ भैया जी, आपको कौन फेल गया भैया जी? हमको भैया जी, हमको बताओ, हम फेल देते साले सबको। कहाँ गए थे बे? भैया जी आप ही तो बता, मट्ठी लेके आओ। मट्ठी लाए? नहीं, सात बार बोले तुमने। अरे भैया जी हमको ही देख लो, हम भी इंडिया में खेलना चाहते थे, खेलते खेलते सट्टे में हम बर्बाद हो गए। देख लो तो पंचर लगा रहे हैं और साइकिल बना रहे हैं, बर्बाद। प्रवचन मत दे लो, साइकिल बनाओ, बताओ पैसा कितना हुआ? भैया ये 250 रुपए हो गया। चलो चलो पैसा तो चले बबलू, तुम्हारे कहने पर छोड़ दिया हमने उसको। इतना मार मारते हैं जिस तरह डंबल नहीं खाते हैं उस तरह को उठा के 1 किलोमीटर दूर फेंक दिए होते। बच गया हमारे हाथ से वो तुम्हारे कारण। भैया जी अपने चड्डी डिस्ट्रीब्यूटर आने वाले हैं। भैया जी कल से हम चड्डी लेकर गए थे। भैया जी हम चड्डी खरीद के गए थे, ये फट गए कि बाद में देखिए छेद हो गया, छेद ये देखिए। क्या खाए थे रात को? भैया जी मूली का परोठे खाए थे। तो चूतिया हम बोले थे मूली का परोठा खाओ, और टट्टी तुम गए नहीं होगे समय पे, मार दिए पाद। हाँ मकबूल, एक पाद से तो फटा नहीं है, पक्का पूरी रात पादे हैं तभी फटा है। जब हम देखते हैं मकबूल, दूसरी चड्डी दे दो इन्हें, अंदर रखी है। भैया जी अब तो नहीं फटेगा ना, यही पहन के देख ले। तुम हमारे सामने नंगे होगे, यही खोल दोगे। चलो चलो भैया जी, फिर से चट्टी फट गई। ठीक है इधर रहो मकबूल। ये हींग भट्टी गोलियां, और इसको सवेरे शाम उसको खिलाओ। हमारी चड्डी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, व्यापार हमारा चलता रहना चाहिए। भोसड़ी वाले को बोलो टट्टी सवेरे शाम समय पे जाए, मूली का पराठा खा ले। चलो गुड्डू बबलू मकबूल। हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हम एम करते हैं 1K लाइक्स का, मतलब 1000 लाइक पूरे कर देना प्लीज़ यार। और सीज़न 2 के लिए कमेंट करो आपको सीज़न 2 चाहिए कि नहीं चाहिए, और
आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो मकबूल, अरे मकबूल मारना था मारो।